ने मनाया 137वां स्थापना दिवस। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सेठवाड़ा मथुरा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने सबसे पहले समस्त कांग्रेस जनों को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों की दासता से आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस देश को कांग्रेस का झंडा लेकर आजाद कराया। सांप्रदायिक शक्तियों को कांग्रेस का सर्वधर्म समभाव का नारा कभी रास नहीं आया। आज भी ये सांप्रदायिक शक्तियाँ उसी प्रकार बांट देना चाहिए है जिस प्रकार अंग्रेजों ने कुछ प्रयास कर भारत देश को तोड़ने का काम किया। इन सांप्रदायिक शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने इस देश को विचार दिया, सर्वधर्म समभाव का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के करिश्माई नेतृत्व में इस देश की बागडोर आई तथा कांग्रेस पार्टी ने प्रथम संसदीय चुनावों में शानदार सफलता अर्जित की। नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक समाजवाद, गुटनिरपेक्ष तथा विदेश नीतियों को आधार बनाया। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग की गई है जी। 137वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सब लोग, और 137 साल कांग्रेस को बने हुए आज हो गए, इसके उपलक्ष्य में हमने क्या चुनावी रणनीति तो साफ है। 2022 में हम लोग जो है वो बहुत जोर शोर से लड़ेंगे और मथुरा में हर हालत में हम लोग खाता खोलेंगे, ये निश्चित है। टिकट जो है जनवरी लास्ट तक कंफर्म हो लेंगी, क्योंकि 7 जनवरी को आचार संहिता लग रही है। अभी कुछ इनके मन में थोड़ा कालापन है, तो ये 3-4 दिन में और क्लियर हो जाएगा कि चुनाव करा पा रहे हैं। क्योंकि कल चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम लोग अभी 30 तारीख तक सर्वे करते हैं कि क्या स्थिति है, और उसके बाद में जो लोग घोषणा चुनाव की होते ही और टिकटों का ही मामला फाइनल हो जाएगा। हमारा कांग्रेस का ये 137वां स्थापना दिवस है। 1850 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैं इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाते और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि भाजपा की कुरीतियों के बारे में जन तक पहुँचाएँ। जब भाजपा ने जिस तरह जनता को ठगाया और हमारे बेरोजगारी फैली है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर, सभी समस्याओं को लेकर जनहित जनता के द्वारे द्वारे जाएं और इस भ्रष्ट सरकार और सांप्रदायिक शक्तियों को, इस देश को और प्रदेश को छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ उससे अवगत कराएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी की जो घोषणा है, प्रतिज्ञा लिया, उन 16 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताएंगे जो कि महिलाओं के साथ की जो प्रतिज्ञा ली है। 40% आरक्षण दिया है चुनावों में, और आपने 25 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक साल मिलेंगे, और आपने देखा 10 लाख का जो है इलाज होगा मुफ्त सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में। इस सभी इस तरह की 16 प्रतिज्ञाएं हैं। हम उन प्रतिज्ञाओं को जनता में विश्वास लेकर और 50% महिलाएं हैं वोटर, उनको भी विश्वास में लेकर हम निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करेंगे और इस अंग्रेजी रूपी सरकार को आगे आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। हमारी 5 टिकट हैं जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं। 3 सीटों पर पुरुषों लड़ेंगे, जो निश्चित रूप से मान लो 10 दिन के बाद ये घोषित हो जाएंगी लगभग। मथुरा में वृहद ज्योतिषी संगोष्ठी का आयोजन